हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं विमल नागनपुरिया, नागनपुरिया पोल्ट्री इंदौर से। मैं आपको एक ऐसा कंट्रोलर दिखाना चाह रहा हूं जो मैंने डेवलप किया है। ये कंट्रोलर आता है 1.0 के नाम से, नागनपुरिया पोल्ट्री से। मैं आपको ये कंट्रोलर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दे देना चाहता हूँ सर। देखिए, इस कंट्रोल पैनल में सबसे पहले तो हम 8 ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 5, फैन 6, फैन 7 और फैन 8, है ना। ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसमें टेम्परेचर शो होगा आपके फार्म में क्या है टेम्परेचर। यहाँ पर टाइमिंग शो होगी कि आपको फैन को कितने टाइम के लिए चलाना है। ये वर्क इंस्ट्रक्शन है, इसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे पंखे को, फैन को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि कितनी देर चलना है इसमें। फिर दूसरा है रनिंग सेटिंग, इसमें भी सेम वही है कि हम फैन को टाइम वाइज रन कर सकते हैं। ये इंटरवल सेटिंग कि हमको फैन कितने टाइम के लिए बंद करना है। इसमें 5 स्विचेस हैं, है ना। फर्स्ट टेम्परेचर सेटिंग होता है, दूसरा टाइम सेटिंग होता है, तीसरा वार्म टाइम सेटिंग होता है और प्लस माइनस, है ना। ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नागनपुरिया पोल्ट्री का है जिसमें एक चूजा निप्पल लिए बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा लोगो रजिस्टर्ड है इसमें। इधर पीछे अगर देखेंगे इसके, तो यहाँ पर हम सेंसर लगाएंगे जो कि मैंने वायर ऑलरेडी लगा चुका हूँ, ये है। और ये इसका सेंसर है, ये सेंसर है। इस सेंसर को आप फार्म के बीच में कहीं भी लगा सकते हैं, बर्ड से 2 फीट ऊपर, है ना। ये सारे इनपुट्स और आउटपुट्स हैं और ये जो है ये पावर केबल है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसको पावर से कनेक्ट करते हैं। एक 12 वोल्ट का एक एडाप्टर है, कनेक्टर है, जिसको हम लगा सकते हैं इसमें। और इस कंट्रोलर से आप आपके कॉन्टेक्टर्स को करंट दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, कब चलाना है, कैसे चलाना है, वो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें ये पावर आ गया है ना। अब ये बेसिक है। सबसे पहले जब भी इस कंट्रोल पैनल को, कंट्रोलर को आपके फार्म में जब भी इंस्टॉल करना है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप सबसे पहले इस कंट्रोलर को लगाएं और इसके साथ में पैनल लगाएं, है ना। सबसे पहले हम इसको रिसेट कर लेते हैं यहाँ से। बहुत सारे फार्मर भाई हमसे पूछते हैं कि सर ये कंट्रोलर कैसे वर्क करेगा, क्या करेगा, कैसे चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ सर कि ये वीडियो मेरा उद्देश्य है कि जितने भी फार्मर्स नए हैं जिनके फार्म में ये कंट्रोल पैनल्स लगा हुआ है, कंट्रोलर लगा हुआ है, उनके लिए एक तो ये वीडियो बेसिक गाइड होगी, दूसरा हम किस प्रकार से कैसे मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे ही आपके फार्म में कंट्रोलर लगेगा तो आप इसे पहले रीसेट कर लीजिए, ताकि इसकी जो भी कंपनी फैक्ट्री सेटिंग हो वो पूरी रीसेट हो जाए। हम इसको रीसेट कर लेते हैं, ये पूरी रीसेट हो गई है ना। अब ये पूरा रीसेट है ना। अब सबसे पहले हमें क्या सेट करना है वो डिसाइड करना है, और कौन से पंखे को क्या ट्रिगर देना है वो भी हमें डिसाइड करना होगा। जैसा कि सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल लगाते हैं तो टेम्परेचर का चैलेंज सामने आता है ना। इसमें 8 पंखे लगे हुए, फैन 1, फैन 2, फैन 3, फैन 4, फैन 8 तक, है ना। तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सिलेक्शन करेंगे कि पंखे टाइम पर चलने हैं या टेम्परेचर पर चलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वार्म टाइम सेटिंग को क्लिक करेंगे। देखिए, पंखे 1 पर ग्रीन बल्ब ब्लिंक हो रहा है ना, और सीसी मतलब सेल्सियस पर सेट है, फैन 1 सेल्सियस पर सेट है। फिर दबाएंगे वार्म टाइम, दूसरा भी सेल्सियस पर सेट है। फिर दबाएंगे फैन 3, ये भी सेल्सियस पर सेट है। चौथा, ये भी सेल्सियस पर सेट है। पाँचवा, ये भी सेल्सियस पर सेट है। छठा, ये भी सेल्सियस पर सेट है। सातवा, आठवा, ये सब सेल्सियस पर सेट है। ये हो गया है ना। तो हमने क्या किया, अभी सबसे पहले इस कंट्रोल पैनल को सारे फैन कंट्रोल पैनल के हमने टेम्परेचर पर सेट कर दिए हैं, है ना। अब टेम्परेचर पर सेट तो कर दिए हैं, लेकिन अब वर्क कैसे करेगा वो भी देखते हैं। जैसे हम टेम्परेचर सेटिंग को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फैन नंबर 1 पर रिफ्लेक्ट हो गया और टेम्परेचर बताने लगा। इसका मतलब ये है, ये पूछ रहा है कि पहले नंबर के पंखे को आपको कितने डिग्री पर सेट करना है। तो आपने पहले नंबर फैन को 22 डिग्री पर सेट कर दिया,
28 डिग्री पर इसको सेट कर दिया मिनिमम। ये हमने फैन नंबर 1 को 28 डिग्री पर सेट कर दिया। फिर हम टेम्परेचर सेटिंग क्लिक करेंगे तो फैन नंबर 2 पर जाएगा। ये फैन नंबर दूसरा 24 डिग्री पर सेट है, अपने फिर इसको इस फैन को 29 डिग्री पर सेट कर दिया। ये 29 डिग्री पर सेट कर दिया। फिर टेम्परेचर सेटिंग दबाएंगे फैन नंबर 3, फैन नंबर 3 को हमने 30 डिग्री पर सेट कर दिया। ये बेसिकली हम अगर डिले हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक चला जाता है, है ना। जैसे हम थोड़ा सेट करने में डिले हुए तो ऑटोमेटिक चला गया है, अपने आप ऑटो सेव कर लिया है इसने। लेकिन हम फिर से इसको कर सकते हैं ट्रिगर, जहां से छूटा है वहीं से स्टार्ट हो सकता है। जैसे देख ली, फिर टेम्परेचर सेटिंग को हमने क्लिक किया तो पहला फैन हमने 28 डिग्री पर सेट किया, फिर टेम्परेचर दूसरा 29 पर, फिर टेम्परेचर तीसरा 30 पर, फिर चौथा 28 पर, मतलब ये 3 तक सेव कर चुका था। अब इसको हम चौथे वाले को 31 पर सेट कर लेते हैं, क्योंकि 31 टेम्परेचर होता है सामान्य, है ना। तो हम चौथे और पांचवे को 31 पर सेट करेंगे, छठे को 32 ऑलरेडी है ही, है ना, इसको सातवें को हम इस पे 36 पर है, तो 36 तो टेम्परेचर चाहिए नहीं, हमारा बर्ड हाँपने लगेगा, इसलिए हमको इसको भी कम करना होगा 32 पर, इसको भी सेट करना होगा। तो ये हमारे फार्म के अंदर जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो 32 ही चाहिए। फिर ऑटो सेव कर लिया इसीलिए हम फिर से लगाएंगे। तो देखो पहला 28, दूसरा 29, तीसरा 30, चौथा 31, पांचवा 31, छठवा 32, सातवा और आठवां 32। ये हो गया एच पर, ठीक है, ओके ओके। तो ये जो हमारे फैन हैं ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर पर सेव हो गए हैं, ठीक है। तो अब जैसे इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे फैन नंबर 1 चालू होगा, 2 चालू होगा, 3, 4, 5 जैसे ही, और जैसे ही कम होगा वैसे ही वो ऑटोमेटिक बंद होते जाएगा। देखिए हम देखते हैं, सबसे इसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये इस सेंसर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। डिग्री हुआ, एक पंखा चालू हुआ, 30 हुआ, देखिए 30 पर 3 फैन सेट करे तो 31 होगा, तो चौथा पांचवा भी चालू हो जाएगा। पे एक बंद हो गया, ये जो दो सेट करे थे वो बंद हो गए, ये बंद हो गए। जैसे 27 जाएगा तो ये जो फैन नंबर 1 है वो भी अपने आप बंद हो जाएगा, 27 डिग्री को क्रॉस करने दो, क्योंकि इसका जो डिले वेरिएशन रहता है वो 1 डिग्री का रहता है। इसका मतलब है कि अभी हमारे फार्म के अंदर टेम्परेचर मैनेज हो गया है ना, और फार्म का जो टेम्परेचर है वो कम है, इसलिए फैन चलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो हो गया अपना टेम्परेचर सेटिंग, ठीक है। दूसरी सेटिंग में आपको बता देता हूँ कि दूसरा हम टाइम पर सेट करना है, हमें अगर कोई फैन टाइम पर सेट करना है, ठीक है, टाइम पर भी चले और टेम्परेचर पर भी चले, तो हम
क्या करेंगे, कोई दो फैन हम सेट कर सकते हैं टाइमिंग पर। टाइमिंग पर इसलिए सेट कर सकते हैं कि हम जो हमारे फार्म के अंदर जो हमने टेम्परेचर बनाया हुआ है ब्रूडिंग टाइम पर चाहिए 35 डिग्री। तो 35 डिग्री पर फैन के टेम्परेचर वाला कंट्रोलर का जो टेम्परेचर वाला पार्ट है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें ब्रूडिंग देनी होती है 35 डिग्री या 95 फ़ारेनहाइट, है ना। तो हम आप दूसरा जो सेक्शन है वो चलते हैं टाइमिंग पर, ठीक है। टाइमिंग पर चलते हैं कि हमें जैसे अमोनिया निकालना है ना, ह्यूमिडिटी को बाहर करना है, तो हम एक एवरेज सेट करेंगे। एवरेज कैसे सेट करेंगे कि हमें कितने टाइम पर कौन सा फैन चलाना है। तो फैन लगे हुए रहते हैं हमारे फार्म के अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें जो तीन चीज़ें हैं, वार्म टाइम सेटिंग हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वो पूछेगा कि पहला फैन जो है वो सेल्सियस पर, तो इसको हम हवर पर सेट करते हैं। फिर दूसरा वार्म टाइम दबाएंगे, दूसरा भी सेल्सियस पर, इसको हम हवर पर सेट करेंगे। फिर वार्म टाइम दबाएंगे, फिर हवर पर सेट करेंगे। मतलब हमने तीन पंखों को हवर पर सेट किया है ना। फिर वार्म टाइम दबाएंगे, सी, ये ऑटोमेटिक सेव हो गई। मतलब हमने जो तीन पंखे हैं पहले 1, 2, 3, ये हमने सबसे पहले क्या किया है कि इनको हमने टाइम पर सेट कर दिया तीनों। तो अब हमने टाइम पर सेट तो कर दिया, लेकिन अब फैन का टाइम सेट करना है कि फैन कब चलना है और कब बंद होना है। तो हम ये बीच वाला जो स्विच है टाइम सेटिंग, इसको हम क्लिक करेंगे। टाइम सेटिंग से फैन को ट्रिगर करेंगे कि कितने टाइम के लिए कितने फैन चलने हैं। टाइम सेटिंग पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो टाइम वाला बल्ब ब्लिंक हो गया और ये रनिंग सेटिंग वाला जो ग्रीन बल्ब है चालू हो गया। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपको फैन कितनी देर तक चलाना है। हमने इस फैन को चला देना है, पूरे जो तीन फैन हमने सेट करे वो उन तीन फैन को हम 30 सेकंड के लिए चलाएंगे। फिर टाइम सेटिंग दबाएंगे, इंटरवल सेटिंग पर जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि फैन आपको बंद कितनी देर रखना है, तो हमने इसको कर दिया है फैन हमको सिर्फ 15 सेकंड बंद रखना है या 20 सेकंड बंद रखना है। फिर हम इसको टाइम सेटिंग दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब ये रिवर्स इसके काउंटिंग चालू हो गई है, जैसे ये 20 सेकंड डन करेगा फैन नंबर 1, 2 और 3 ऑटोमेटिक चालू हो गया। देखिए 7, 5, 4, 3, 2, 1 वर्क, उसने कंट्रोल पैनल ने इंस्ट्रक्शन दिया है ना फैन को। तो ये तीन फैन ऑटो स्टार्ट हो गए, स्टार्ट हुआ 20 सेकंड में। अभी इंस्ट्रक्शन दिया है उसे, जैसे ये डाउन होता है उसके बाद में वो चालू हो जाएगा। फिर 20 सेकंड के लिए बंद हो गए। मतलब जो तीन फैंस हैं ये तीन फैन 20 सेकंड के लिए बंद हो गए। एक धीरे से आवाज आती है, एक सिग्नल मिलता है हमें एक टक टाइप। देखिए अब ये 20 सेकंड के लिए बंद है, फिर 20 सेकंड के लिए चालू हो जाएगा। फिर 30 सेकंड हमने जो सेट किया उसमें वर्क इंस्ट्रक्शन पर लाइट चालू हो, ये 30 सेकंड के लिए चालू। मतलब इसने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये जो कंट्रोलर है बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है ना। और जो हमारे छोटे फार्मर भाई है जिनके 150 फीट के फार्म होते हैं, गर्मी में रिजल्ट नहीं मिल पाता है। गर्मी में आप देखेंगे कि मतलब 1000-1200 ग्राम से ऊपर बर्ड का वेट नहीं जाता है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये फैन हमने कहीं से कूलिंग पैड खरीद लिया, कहीं से फैन खरीद लिए, और ये कंट्रोल पैनल हमसे खरीद लिया नागनप्रिया पोल्ट्री से, है ना। स्क्रीन पर नंबर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है नागनप्रिया पोल्ट्रीज का। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कॉल करके बाय भी कर सकते हैं। इसे हमने डायरेक्टली फार्मरों के लिए बनाया है और जितने रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी के लिए बनाया है ना। अब जैसे हमारा छोटा फार्म है 100 फीट 150 फीट, जिसमें 150 फीट में हमने 3 पंखे लगा दिए और ये कंट्रोल पैनल लगा दिया है। इसमें 6 पोर्ट वाला आता है, इसमें आप कूलिंग पैड की मोटर को टाइमिंग पर सेट कर सकते हैं। कूलिंग पैड की मोटर 2 मिनट चलेगी, 2 मिनट बंद रहेगी। कोई भी किसी भी, ये जैसे 8 पोर्ट का है ना, यहाँ तक 8 तक। तो आप ये 2 सेंसर्स के हैं, उसके बाद में
यहाँ से स्टार्ट हो गया 10 तक, तो इसमें 8 आउटपुट्स हैं। 8 ग्रुप में आप 16 पंखे भी चला सकते हैं, 32 पंखे भी चला सकते हैं, ये आउटपुट्स दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक कूलिंग पैड की मोटर में सेट कर दीजिएगा, और जो भी आप पैन नंबर पर सेट करो, जैसे मान के चलिए 6वें नंबर पर कूलिंग पैड है, तो उसको टेम्परेचर पर नहीं सेट करिएगा, 6 को सिर्फ आप वार्म टाइम दबाइएगा, और उसको 6 नंबर फैंस को आप एच पर सेट कर दीजिएगा। 6 नंबर मतलब ये आपके कूलिंग पैड की मोटर हो गई है। फिर टाइम सेटिंग करेंगे, ये वार्म टाइम सेटिंग करके आप बाहर आ जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई इसमें, तो ये बहुत अच्छी चीज है ना, सभी के लिए कि आप किस हिसाब से करना चाहते हैं काम, वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये कंट्रोल पैनल, जो भी छोटे फार्मर, इसकी कीमत भी बहुत अच्छी है, ये मार्केट में 25,000 रुपये का मिलता है, 25,000। हम यही चीज़ के लिए जो इम्पोर्ट होकर के प्रोडक्ट आते हैं बाहर से, है ना, वो हमसे इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए 50,000 60,000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको जो दे रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, मेड इन इंडिया है सारी चीज, और इसको हमने ही बनाया है ना। हम काफ़ी फार्मर्स को अभी तक दे चुके हैं जो बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। इसके ऑनलाइन वीडियोस भी हैं, इसके ऑन वीडियोस भी हैं जो हमने लगाए हैं, इसके जस्ट ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में, मैं इसमें एक वीडियो भी डालता हूँ जो वर्क करते हुए आपको। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए ये वीडियो, अगर पसंद आया हो तो आप बिल्कुल बेल आइकॉन प्रेस करें, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर हमारे जितने भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। और भी पोल्ट्री की अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि कुछ और मुझे अपग्रेड करना चाहिए पोल्ट्री में, है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और पूछ सकते हैं कि सर हम पोल्ट्री में क्या और अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।